हाय दोस्तों, और सब बढ़िया? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। ये एक्सरसाइज की और उन लोगों को करनी है जिन लोगों की रिकवरी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, जिनके पाँव में थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है, जिनके पाँव में थोड़ी पावर आ चुकी है, वो लोग करेंगे। जो लोग खड़े हो लेते हैं या बाखर बाखर चल लेते हैं, ये उनके लिए एक्सरसाइज है जो कि बहुत पाँव में पावर बढ़ाती है, और जो कि मैंने बहुत करी थी। मैंने इतनी करी थी इसको, मैंने 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यू करी थी, और इससे मेरी मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी और मेरे को बहुत हेल्प हुई थी आगे बढ़ने में। और आज मैं चलने लगा हूँ यार, फ्री बाकर, बिना बाकर भी चलने लगा हूँ, जो कि मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं बिना बाकर के भी चल पाऊँगा। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं बाकर छोड़ के चलूँ, लेकिन एक्सरसाइज करते करते, कोशिश करते करते, धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया और बाकर छूट गया यार। अब तो मेरा बाकर पकड़ के चलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, और बिना बाकर चलता हूँ। यह है वो एक्सरसाइज। आपको खड़े होके पीछे कोई टेक होना चाहिए, पीछे एक कुर्सी वुर्सी हो और कोई चीज़ पकड़ के ना, आपको ऐसे नीचे बैठना है और खड़ा होना है, ऐसे बैठना है, बाकर पकड़ के, बाकर भी रख के बगल में, ऐसे ऐसे बैठना है, खड़ा होना है, ऐसे बैठना है, खड़ा होना है, बैठना है, खड़ा होना है। ये हमारे पूरे पाँव में, कमर से लेकर पूरे पाँव तक, हर चीज़ पे ये एक्सरसाइज काम करती है। हर चीज़ मजबूत होती है इससे, एंकल भी, घुटने भी, किन्नी लोग भी, कमर भी, हर चीज़ में पावर बढ़ती है। पाँव की, जांघ की मसल्स मजबूत होती हैं, ये मसल्स मजबूत होती हैं, हर चीज़ मसल मजबूत होती है इससे, जिसे कहते हैं स्क्वाट। ये स्क्वाट एक्सरसाइज है। जब ये करने बजाओ देखोगे, हाँ अब ये मुझे आराम से होने लग गई है, पावर थोड़ी बढ़ जाए, और जब ये करते करते और स्ट्रेंथ बढ़ जाए जब, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के, हल्का सा किसी चीज़ को पकड़ के या किसी का सहारा लेके, किसी का हाथ पकड़ के, तो इसको धीरे से जितना बैठ सको उतना ही बैठना, ये नहीं कि जितना ना बैठ सको उतना बैठना, ऐसे शुरू में जितना बैठो उतना बैठना, ज़्यादा बैठने की कोशिश मत करना क्योंकि इसमें गिरने का भी डर रहता है। मैं भी करता था, तो मेरे को भी गिरने का बहुत डर रहता था, तो मैं उतना ही करता था जितना मेरे से झुका जाता था। एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा झुक गया और नीचे एकदम ऐसे 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 करके बैठ गया था, उठ नहीं पा रहा था। फिर मुझे उठाया गया, घर वालों ने उठाया था मेरे को, तो ऐसा भी हुआ था। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अब मैं इतना नीचे बैठ जाता हूँ आराम से। यार एक्सरसाइज करनी है शुरू में ऐसे, अब मैं इतना बैठ जाता हूँ आराम से, मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पाँव ना, एंकल थोड़े मेरे सही से बैठ नहीं पाता। बैठता हूँ तो मुझे एड़ी एड़ी उठा के बैठनी पड़ती है, तब तो मेरा थोड़ा बैलेंस बनता है, नहीं तो ऐसे नहीं बनता। ये अब मैं नीचे से पूरा खड़ा हो सकता हूँ, नीचे पूरा बैठ के पूरा खड़ा हो जाता हूँ। मैंने इसकी एक्सरसाइज बहुत करी थी जिससे मेरे पाँव में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि अब पूरा नीचे बैठ के पूरा उठ जाता हूँ, ये वाली ऐसे। आपसे जितना हो सके उतना ही बैठना, फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा बैठ नीचे बैठने की कोशिश मत करना, ज़्यादा नीचे झुक जाने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा जहाँ तक जा सकते हो उससे थोड़ा ऊपर ही रहना, ये हल्का सा, ये धीरे धीरे आपकी पावर बढ़ती जाएगी और आप फिर नीचे भी जाओगे धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज हो गई, और इसके साथ एक वाली एक्सरसाइज कर लेना, ऐसे बैठ के कोई चीज़ पकड़ के, ये भैया, एक्सरसाइज से हम ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतनी हम ठीक होंगे, और हमें ठीक होना है, आप सब भाई भी ठीक हो सकते हो। जितनी कोशिश करोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितने अपने दिमाग में रखोगे कि हाँ ठीक होना है, मैं ठीक हो रहा हूँ और मेरी रिकवरी बढ़ रही है, अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव करना है। जितनी हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव करेंगे, उतना ही हमारी ग्रोथ होगी, उतनी हम सही होंगे। और हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखना है कि एक्सरसाइज फुल करनी है, ठीक होना है, और अपना वेट नहीं बढ़ाना ज़्यादा, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाना। वेट जितना बढ़ जाता है उतना ही पाँव में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए वेट नहीं बढ़ने देना अपना ज़्यादा, बाहर की चीज़ें कम खाना, तली हुई चीज़ें कम खाना, मीठा कम खाना। थैंक यू भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं।